आज के अंत में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली अभी जो सिलेबस में हुआ है इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का उसके बारे में उसको लेकर के स्टूडेंट में बड़ी चिंता है, तो उसको मैं सबसे पहले आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले जो बायोलॉजी होता था उसके दो पेपर होते थे, जैसे अगर बायोलॉजी को पिछला जो पैटर्न देखे उसके दो पेपर होते थे, एक तो होता था फर्स्ट पेपर के नाम से जाना जाता था, पेपर फर्स्ट होता था, और एक होता था पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर को हम जानते थे जूलॉजी के नाम से, और जो सेकंड पेपर होता था दैट इज बॉटनी। अभी क्या हुआ है एनसीईआरटी ने सिलेबस को चेंज, एनसीईआरटी के पैटर्न में पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे इंडिया का सिलेबस हो गया। इसमें बेसिकली क्या क्या चेंजिंग आए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के या पूरे स्टेट के लेवल तक का ये वीडियो जाना चाहिए। और बेसिकली इसमें ये है कि प्रत्येक बच्चे तक इस सिलेबस पहुंचे, और जिससे बच्चा अपने आपको बेहतर तैयारी करे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सेकेंडरी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुके हैं, तो आप लोग बेसिकली जो सिलेबस है उसको ध्यान से आप समझेंगे क्या क्या पढ़ना है और हम लोगों का क्या सेटअप है इस बार और कैसे हम तैयारी अपनी करेंगे। तो इस बार का जो पूरा बायोलॉजी है वो बायोलॉजी आप पहले से ही जान रहे हैं कि बायोलॉजी 100 मार्क्स का होता है, हाई स्कूल से अलग होता है पूरा सिलेबस, इंटर में 100 मार्क्स का होता है जिसमें से आपका थियोरी होगा 70 मार्क्स का, 70 नंबर का होगा आपका थियोरी, और प्रैक्टिकल का जो एग्जाम आपका होगा दैट विल बी 30 मार्क्स। कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, क्या क्या होना है, मैं आपको क्लियर कट बताई देता हूं। यहाँ पे आपको केवल एक पेपर देना है, पहले बॉटनी जूलॉजी करके पेपर हुआ करते थे, आप दोनों को कोलैप्स करके दोनों को फ्यूज करा करके एक पेपर बनाया गया है जिसको बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। 70 नंबर का थियरी होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और इसमें टोटल 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, और मैं यूनिट को और आप देखेंगे That is reproduction. That is reproduction. Second है genetics and evolution. Third is biology and human वेलफेयर। नेक्स्ट फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, यू कैन से एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, उसको इसके अनुप्रयोग है। पांचवा जो आपका है सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये आपके यूनिट है और ये आपका टाइटल है, और इनको बांटा गया है कितने कितने मार्क्स में आप ये भी देखेंगे। आपका जो पहला यूनिट है 14 मार्क का है, ये 18 मार्क का है, और ये भी 14 नंबर का है, 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये, टोटल आप इस तरह से जब जोड़ेंगे तो आपका 70 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और इस पेपर में टोटल जो आपका ये एडिशन होगा ये टोटल 70 मार्क का होगा, आपका थियरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो इन 5 मिनट्स को पढ़ना है, क्लियर होना चाहिए। हिंदी वर्जन भी बता देते हैं आपको, रिप्रोडक्शन का मतलब जन्म पढ़ना है प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, जेनेटिक्स पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, बेसिकली इसमें जेनेटिक्स का पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, इसमें मेंडल के नियम पढ़ने हैं और उसका क्या एक्सेप्शनल केस क्या है, विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स क्या है और सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या है, उनका इनहेरिटेंस क्या है वो पढ़ना है। इवोल्यूशन में बेसिकली आपको पढ़ना है डार्विन वार, लैमार्क वार, और साथ ही साथ कैसे इवोल्यूशन हुआ था अर्थ पे ये, और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ये भी पढ़ना है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यूनिट है बायोलॉजी तथा मानव कल्याण में क्या इसकी यूजेज है, मतलब बायोलॉजी का
ह्यूमन इकोनॉमिक में क्या रोल है उसको पढ़ना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी और इसको उपयोग, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि नए जमाने की पढ़ाई है ये, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस दिया गया है। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, साधन प्लॉटिंग क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, और इसके अलावा कैसे हम जीन को सिंथेसिस कर सकते हैं, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इंसुलिन को हम सिंथेसाइज करेंगे, मैप क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, पॉलन कल्चर क्या है, ये सारी चीजें जो नई नई चीजें आई है दे आर कंक्लूडेड इन दिस यूनिट। आगे अगला है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी का मतलब हमारा जो एनवायरमेंट है उसका क्या हमसे रिलेशनशिप है, या प्लांट का, एनिमल का, और उनके रिलेवेंट वातावरण के साथ क्या संबंध है, बेसिकली उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो पूरा यूनिट है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और टोटल 70 नंबर का थियोरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और इसमें आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ पहुंचेगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।